दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जवानों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सशस्त्र बलों की सैलरी काटने का एक नया आदेश जारी किया गया सरकार की ओर से। रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया है ये नोटिस। इसमें TPTL पेमेंट का पूरा सच हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ये क्यों बढ़वाया जा रहा है और ये फॉर्म है इसकी क्या वजह रही है। दोस्तों, इन सबको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। रक्षा मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी हैं दोस्तों, चाहे वो सशस्त्र बलों के जवान हो, चाहे या सार्वजनिक जगहों पर काम करने वाले कर्मचारी हो, या रक्षा मंत्रालय से जो अटैच कोई भी अन्य कर्मचारी हो, उनको अपने अपने स्वेच्छा से, अपने अपने इच्छा से महीने का एक दिन की जो सैलरी है, अपनी सैलरी यानी कि इसमें मई 2020 से मार्च 2021 तक अपनी जो सैलरी है पीएम केयर फंड में जमा करवानी होगी। दोस्तों, इस संदर्भ में मिनिस्टर ऑफ जो डिफेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय की ओर से 5 मई 2020 को ये ऑफिस मेमोरेंडम जो लेटर है ये जारी किया गया है। इसके लिए दोस्तों, सभी जवानों और उसके साथ जो अटैच किए गए हुए ऑफिस और जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन या डिफेंस पीस SU और जो अन्य संस्था के कर्मचारी अपने अपने जो बिलिंग है सर्टिफिकेट जमा करने होंगे, जहाँ से वे अपनी सैलरी ड्रॉ करते हैं, चाहे वे किसी भी यूनिट लेवल पर हो या ऑफिस लेवल पे हो या जो ऑर्गेनाइजेशन PSUS या फिर PAOS PCD के लेवल पर हो, यह सभी को अपने अपने जो बिलिंग सर्टिफिकेट है इसमें जमा करवाना होगा। दोस्तों, रक्षा मंत्री के जो अप्रूवल है उसमें के बाद ही जो ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। तो इसमें दूसरी बड़ी खबर ये है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम ये लेटर जारी किया गया है और इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 में अप्रैल महीने के TPTL पेमेंट के रिकॉर्ड हैं। और इसके बारे में दोस्तों, जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, जो ट्रांसफ़र अलाउंस हैं, वे क्लेम करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, जिसके लिए जो प्री सब्सक्राइब परफॉर्मा भी दिया गया है। और ये इन्फॉर्मेशन चाहे वे 24 मई तक ही आपको सबमिट करवाने हैं। अगर इसमें दोस्तों इन्फॉर्मेशन किसी कारण से सबमिट नहीं करवा सकते तो अधिकारी और जवानों द्वारा ये समझा जाएगा कि उन्हें महीने के एक दिन भी ऑफिस अटेंड नहीं किया। उनको जो बेसिक है वो मानकर TPT के अनुसार ही जो ट्रांसफ़र अलाउंस है उसका जो सेटलमेंट किया जाएगा। दोस्तों, ये है परफॉर्मा जिसमें आपको नाम, इसमें जो सेक्शन है, एम्प्लॉयज कोड है, डेट ऑन विच अटेंड ऑफिस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इसमें जो सभी दिया आपको ये सब इसमें भरना है। इसमें लास्ट में आपके साइन करके ही आपको ये इसमें सबमिट करवाना है। इससे साफ हो रहा है कि जो लॉकडाउन के दिन जिन लोगों की छुट्टी के कारण या किसी अन्य वजह से अगर ऑफिस अटेंड नहीं कर पाए, ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए, वे अपना जो रेजिडेंस छुट्टी पर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका जो ट्रांसफ़र अलाउंस है काटा जाएगा। हालांकि इस लेटर में ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन दोस्तों इसका मतलब यही है जो आपको ट्रांसफ़र अलाउंस है वो काट लिया जाएगा।